गाइस व्हाट्सअप कैसे हो यार। सो जी एंड रुई के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो जिया होती है और रुई वो दोनों चले गए होते हैं जी कॉन्फ्रेंस हॉल में और दोनों को नहीं पता था। तो जो रुई होती है वो कुछ डॉक्यूमेंट उठाने के लिए नीचे जाती है, जिया जो है वो फोन में लगी होती है तो वो कुर्सी को साइड में रख के बैठने लग रही होती है। एंड जो रूही होती है वो खड़ी हो जाती है तो उसका बैलेंस नहीं बनता ना, क्योंकि जी उसके पीछे होती है, जस्ट मुड़ती है तो जी वो दोनों गिर जाते हैं कुर्सी के ऊपर। तो जिया नीचे एंड रूही उसके ऊपर एंड इसी अनजाने में जी हो जाती है इन दोनों के बीच में कि स्लिप किस हो जाती है। तो 2 मिनट तक तो मतलब है ना ये एक दूसरे की आँखों में देख रहे होते हैं और इनके होठ इनके होठों पर ही होते हैं। तो उसके बाद रूही खड़ी हो जाती है ना कि मतलब क्या हो गया और वो चली जाती है। एंड जो जिया होती है वो सारी बात अपने पापा को बता देती है ना कि पापा वो मेंबर था और ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज रहा था। तो उसके पापा बाहर आकर के उसे चिल्ला रहे होते हैं लेकिन वो मेंबर बोलते हैं कि सर मुझसे गलती हो गई ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए सर, आई एम रियली सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा सर, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए सर। लेकिन उसके पापा नहीं मानते, उनको बहुत गुस्से में भी होता है ना कि कैसे कर सकता है, हमारा प्रेजेंटेशन किसी को भेज सकता है। तो वो उस मेंबर को ना एक थप्पड़ भी मार देते हैं ना कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें जब नौकरी की छुट्टी तब मैंने नौकरी दी और आज तुम मुझे ये दिन दिखा रहे हो, ये मानी हुई। तो ऐसे बोलते होते हैं तो रूही को तो मतलब रूही क्या यार, वहाँ पर सारे लोग होते हैं ना, मतलब इतना गुस्सा आ रहा था ना कि यार ये इंसान कैसे कर सकता है ऐसा। लेकिन वो जो मेंबर होता है ना वो बहुत रो रहा होता है ना, वो गिड़गिड़ा रहा होता है वो। लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ, प्लीज़ आप मेरी बात तो सुन लीजिए सर, प्लीज़ सुन तो लीजिए सर, एटलीस्ट एक बार सुन तो लो। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा होता ना, तो ये कहती है कि सर। तो जिया के जो पापा होते हैं वो उससे कहते हैं क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। तो रूही मतलब नजरें नीचे कर लेती है ना, मगर जिया उसको सपोर्ट करती है, कहती है कि रूही क्या हुआ बताओ। तो जो जिया के पापा होते हैं वो जिया के साइड देखते हैं, तो जिया कहती है कि मतलब ना आपको जैसे पापा रिलैक्स, अगर उसने कुछ कहा है तो फिर समझ के कहा होगा ना, सुन लेते हैं पहले उसकी बात। तो जिया से बोलते हैं कि रूही हाँ बोलो क्या हुआ। तो रूही कहती है कि सर एक बार क्या हम इसकी बात सुन सकते हैं। तो जो जिया होते कहते हैं कि इसकी बात क्या सुननी, जो देखा है वो काफ़ी नहीं था क्या। तो जिया कहती है कि एक बार सुनने में हर्ष नहीं है ना, एक बार सुन तो लेते हैं मेंबर क्या कह रहा है। तो जी वो जिया के पापा बोलते हैं ठीक है बताओ क्या बात है। तो वो मेंबर बोलता है सर उन्होंने ना मेरी मम्मी को परेशान कर दिया था, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि इस प्रेजेंटेशन में मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं जब चाहूँ उसके पास देख सकता हूँ, मुझे मालूम है कहाँ। तो उन्होंने मुझे कॉल करके बहुत परेशान किया था सर, मैंने ये सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं किया सर, मुझे बहुत डराया गया था सर, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। वो अभी भी डरा रहे हैं। तो जब इसको पता चलता है उसके पापा को कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, कहते नहीं सर मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप चाहो तो मेरे कॉलेज निकाल सकते हो सर, आप देख लीजिए। तभी मैं उस वक्त इतना डरा हुआ था, अगर विश्वास ना हो तो आप मैम से पूछ सकते हैं, मैं उस वक्त कितना डर हुआ था, मेरे पसीने छूट रहे थे, हाथ कांप रहे थे सर, मेरी गलती नहीं है सर, प्लीज़ प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए सर। तो जिया को याद आता ना कि हाँ बिल्कुल ये मेंबर तो घबरा ही रहा था, तभी हमें इस पर शक भी हुआ था। एंड रूही को भी याद आ जाता है, तो दोनों सेम टाइम पे कहते हैं जी एंड रूही की हाँ ये सही है बात, ये सही बोल रहा है ना। तो उसके पापा कहते हैं कि तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो कहते हैं सर आप थे ही नहीं। तो उसके पापा कहते हैं अगर मैं नहीं था तो जिया थी और मेंबर थे, कोई तो था, किसी को बुलाते कहते सर मुझे डर लग रहा था ना, जैसे मुझे परेशान किया गया, हो सकता है किसी और को भी किया और वो मेरी बात बोल दी, इस वजह से मैं डर गया था बस। कहते हैं एटलीस्ट जिया को तो बता सकते ना कि सर मेरे को लगा जिया मैम। तो उसके पापा कहते हैं कि अगर मैं ना हूँ तो कोई भी बात हो जिया को बता दिया करो, जिया सब हैंडल कर लेगी, जिया ऑफिस के काम में दखल अंदाजी नहीं करती, लेकिन वो इन चीज़ों के लिए परफेक्ट इंसान है ना, उसे सब पता है कि कैसे हैंडल किया जाता है। तो जिया कहते हैं कि डोंट वरी तुम मुझे उस नंबर के लिए हैंडल दो, मैं अपने आप सब कुछ हैंडल कर लूँगी। तो जिया से कह के वो नंबर निकाल लेती है। एंड जो सामने वाला मेम्बर होता है ना जिसने उसे बोला होता है, जिया उसके पास कॉल करती है वहीं पर और कहती है कि मेरे पास वो सबकी फाइल है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मतलब शाम को इस टाइम पर मिलना।
तो मम्मा कहता है ओके। जिया कहती है वेट, इतने काम के लिए पैसे लगेंगे, ध्यान रखना। तो जी उससे पैसे की डिमांड करती है और मम्मा हाँ कर देता है ना। तो जिया के जो पापा होते कहते हैं कि ये तुम्हारा मैटर है, तुम सॉल्व करो, बट फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम इस मेम्बर की तरफ से नहीं होनी चाहिए। तो जिया कहते हैं कि डोंट वरी पापा, मैं हैंडल कर लूँगी, एंड फ्यूचर में इसकी तरफ से तो क्या किसी की भी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसी। तो ये ऐसे बोल करके उसके पापा चले जाते हैं, एंड जो जिया होते हैं वो भी चली जाती है। तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं ना। तो इवनिंग में जो जिया होती है उसने 4 बजे का टाइम दिया होता है, तो उस मेम्बर से मिल मिला के आ जाती है जी ऑफिस में, और उस मेम्बर को भी ले आती है ना, वो नज़रें नीचे करके आ रहा होता है। तो सब देख रहे होते हैं कि यार ये जो मेम्बर ही ऐसे आ रहा है नज़रें नीचे करके, क्या चक्कर क्या है, जिया ने ऐसा क्या किया। तो जी जिया जो होती है उस मेम्बर को वहीं रोक देती है, वहाँ से अपने पापा को बुलाती है कि पापा यही तो था वो। तो उस लोग कहते हैं कि तुम, मुझे तो लगा था कि तुम अपना बिजनेस जो है ना सही ढंग से चलाते हो, पर तुम ऐसी चीटिंग भी करते हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो मुझे कहते हैं कि पापा वैसे अभी आपका लगा रहा है, आप बताओ क्या सजा देनी है। तो उसके पापा कहते हैं बेटा सजा तो मुझे लगता है तुमने दे ही दिया, तभी तो ये ऐसे आ रहा है। तो जी कहते हैं पापा मैंने मेरी तरफ से दिया ना, तो अब आपकी बारी है। तो उसके पापा कहते हैं कि नहीं बेटा छोड़ दो, इसको शर्म ही बहुत है ना, मतलब इसके लिए तो इतना ही काफ़ी है गिल्ड में मरना, और क्या इसको दूँ मैं सजा अब। तो जिया कहती है कि चले पापा आपकी जैसी मर्जी, बाकी मैंने तो इसे सजा दे ही दिया, जाओ जाओ तुम जा सकते हो यहाँ से। और जिया जैसे मन में जा रहा था, जिया बोलती है कि सुनो फ्यूचर में कभी भी ऐसी गलती दोबारा मत करना, वरना जो भी ट्रेलर दिखाया था ना वो हकीकत में हो जाएगा। तो उसके पापा कहते हैं कि क्या किया था तुमने ऐसा। तो जी कहते कुछ नहीं पापा, जस्ट रिलैक्स, आपने कहा ना ऐसे मैटर में सॉल्व कर सकती, तो मैंने कर दिया। तो ऐसे क्या किया ना हंसनी होती है, तो मेम्बर जो होता है ना वो चला जाता है वहाँ से, और बाकी सब लोग ना मतलब जिया के लिए क्लैपिंग करते हैं कि वाह यार मैंने ऐसा क्या किया कि ये। तो जिया जो होती है वो अपने कैबिन में चली जाती है जी, एंड बाकी मतलब 6 बजे ही होते हैं ना ये सारे मैटर को लेकर के 6 बजे ही होते हैं। तो एंड टाइम पे जो है ना रूही को किसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जिया के साइन की जरूरत पड़ जाती है। तो वो जी जा रही होती है जिया के कैबिन की साइड, एंड वहाँ से बोलती है ना कि जिया मैम फ्री है ना तो मैं जा सकती हूँ। तो उसकी सेक्रेटरी बोलती है कि हाँ तुम जा सकती हो, कोई इशू नहीं है, वैसे भी तुम्हें जाने के लिए तो कभी मना करती भी नहीं है, तो तुम्हें पूछने की भी क्या ज़रूरत है। तो मतलब ना जिया जो है ना वो रोही जो है ना वो हंसती है, कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई ना बात है। तो कहती है नहीं नहीं दिख रहा है यार, जब भी तुम जाती हो तो जिया मैम मना ही नहीं करती, चाहे वो कुछ भी कर रही हो एक्स वाई जेड, बाकी कोई आ जाए अगर वो कुछ कर रही होती तो मना कर देती है कि नहीं, चाहे कितना इंपॉर्टेंट काम हो पर वो मना कर देती है, पर तुम्हें क्या करती है यार। तो कहती नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो जब ऐसे बोल रहे थे तो बिल्कुल याद आते ना दोपहर को जो हुआ था उनके बीच में बुकेस, तो मतलब बना उसको डर भी लग रहा था कि यार मैं जिया के सामने कैसे जाऊँ, और उस डॉक्यूमेंट्स पे साइन भी ज़रूरी होते हैं। तो हिम्मत करके ना जिया के कैबिन का डोर खोलती है, तो जिया जो है ना मतलब पीछे की साइड होती है ना उसकी पीठ होती है रूही की साइड, और वो कुछ कर रही होती है ना मतलब फोन पे। तो रूही जो जाती है एंड वहाँ पर ना टेबल पर फाइल रख देती है और कहती है कि जिया मैम इस डॉक्यूमेंट्स पे आपके साइन की ज़रूरत थी। तो जिया पीछे होती है और कहती है कहाँ पे, तो रूही बताती है कि यहाँ पर साइन की ज़रूरत है ना। तो जो जिया होती है ना वो साइन कर रही होती है, और वही चीज मतलब उसके भी दिमाग में चल रही थी ना जो किस हुई थी। तो रूही की साइड देखती है तो रूही नजरें नीचे कर लेती है, और जब रूही जिया की साइड देखती है तो जिया नजरें नीचे कर लेती है। तो जिया दोनों नजरें नीचे करके बस जिया जो होती है वो साइन कर देती है, लेकिन जिया जो कहती है यार अगर मैं पहल नहीं करूँगी तो इतना अच्छा मौका हाथ से निकल जाएगा। तो जिया कहती है कि जिया बोलती है कि यार क्या हुआ, तुम किसी चीज़ को लेकर परेशान हो। तो भी कहती नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है ना, मैं किसी चीज़ को लेकर परेशान नहीं हूँ। मगर ये कहती है नहीं दिख रहा है तुम्हारी आंखों में तुम्हारे हाव-भाव से, क्या हुआ क्या बात है तुम मुझे बता सकते हो यार। तो वो कहती है यार आई एम सॉरी। तो ये कहती है किस चीज़ के लिए सॉरी बोल रहे हो। तो वो कहती है कि यार जो
हुआ उस टाइम, मतलब कॉन्फ्रेंस रूम में ना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मतलब प्लीज़ यार सॉरी, मुझे मालूम नहीं था ना कि तुम पीछे हो, गलती से सब कुछ हुआ। तो चिड़िया जो होती है तो ये मतलब मैं एक्साइट हो जाती है ना, उसे लगता है कि यार यही होगा। तो जो चिड़िया होती है वो रोगी को कर लेती है दोबारा से लिप किस, लिप किस करते हुए उसे दीवार के सहारे लगा देती है। और जो उसके हाथ होते हैं उन दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर के मतलब दीवार के सहारे लगा के ना उसे 5 मिनट तक किस करनी होती है। तो रोगी की तो आँखें खुली ही खुली रह जाती है। तो 5 मिनट बाद जब चिड़िया हटती है तो वो देखती है कि रोगी की आँखें खुली हुई है, हार्ट बीट बहुत बढ़ गई है। तो वो उसके हाथ पे हाथ रखती है, कहती है क्या हुआ। तो कहती है मतलब वो बोल ही नहीं पा रही होती ना, वो तो बस आँख पल के झपकती है कि उसके साथ क्या हुआ अभी। तो चिड़िया कहती है व्हाट हैपेंड, क्या हो गया। तो कहती है ये जो अभी हुआ ये सच है। तो चिड़िया कहती है क्या हुआ है अभी। तो वो कहती है अभी क्या, कहती क्या अभी, कहती अभी या फिर कहती अभी क्या। तो वो कहती अभी तुमने मुझे किस किया। तो चिड़िया कहती नहीं मैंने तो नहीं किया, कहाँ गया तुम्हारा, तुम पीछे क्यों जा रही थी। तो वो कहती है कि यार मुझे ऐसा लगा तुमने मुझे किस किया। तो चिड़िया कहती है पागल हो गया तुम, तुम्हारा वहम है, मैंने तुम्हें कब किस कर लिया यार, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, मेरे को लगा तुम उस चीज़ के लिए सॉरी कहने आई हो। तुम तो ये कह रही मैंने तुम्हें दोबारा किस किया, हद तो गई यार, झूठ की क्या होती है। तो कहती सॉरी 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 यार, मैं पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ कहाँ चल रहा था ना, सॉरी सॉरी। तो जी ऐसे बोल के वो फाइल लेके जा रही होती है। तो रोगी उसे ना पीछे से हक कर लेती है। तो जिया उसे पीछे से हक कर लेती है, कहती है कि ये वहम है। तो जिया कहती है कि नहीं नहीं ये वहम नहीं है, मैंने तुम्हें किया हुआ है, क्या हुआ क्यों परेशान हो यार, रुक जाना थोड़ी देर में तुम्हारी परेशानी सॉल्व कर देती हूँ। तो रोगी कहती है कि नहीं 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 मत सॉल्व करो। मगर जिया का मानने वाली होती है, जिया जो होती है उसका हाथ पकड़ती है और उसे सोफे पर बैठा देती है जी अपने साथ। एंड जो उसका सर होता है ना वो अपने शोल्डर पर रख देती है। क्या हुआ यार क्यों परेशान हो रही हो तुम। तो भी कहती है यार पता नहीं मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किस किया ना, क्या मेरा व्यायाम होगा ना यार, हो सकता है जो दोपहर को गया ना थोड़ा दिमाग में चढ़ गया। तो जिया कहती है हो सकता है वो दिमाग में चढ़ गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कई बार गलती से हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। खैर तुम अभी किसके साथ जाओगी। तो रोगी कहती है कि पापा आएंगे ना। तो जिया कहती है यार तुम पापा को क्यों परेशान करती हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। तो रोगी कहती है यार तुम्हारा रूट अलग है मेरा रूट अलग है, तुम मुझे कैसे छोड़ोगे। तो जिया कहती है कि कोई बात नहीं यार मैं छोड़ दूँगी, मुझे काम भी है, वैसे भी इस पूरे ऑफिस के अंदर हमें सीसीटीवी कैमरा लगाना है हर कैबिन में हर कॉर्नर पे, ताकि फ्यूचर में ऐसी गलती कोई कर भी ना सके। और अगर उसके पास कोई प्रेशर है तो वे कह सके कि सब जगह कंप्यूटर लगे सॉरी कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे की जो मतलब वो होता है ना सीसीटीवी फुटेज वगैरह वो सब कुछ मेरे पास रहती है ना, इसलिए मुझे वहाँ से कैमरे भी लेने हैं। तो मैं तुम्हें भी छोड़ दूँगी और कैमरे भी ले लूँगी, सिंपल। तो वे कहते हैं चलो ठीक है पापा को बोल देती हूँ ना। ऐसे करके वो अपने पापा का फोन कर देती है। जी जो होती है वो मन ही मन बहुत हंसती होती है ना कि उसने क्या किया ये, तो उसे बहुत हंसी आ जाती है। मगर वो रोगी के सामने नहीं दिखाती, रोगी कहती है कि ठीक है चले। तो जी कहती है हाँ हाँ चलो, और ये फाइल जो तुम लाई थी अरे हाँ ये फाइल है ना मुझे दे दिया ना मेरे को दे दो। तो जितनी वो फाइल मतलब जो उनके मैनेजर वगैरह होते ना उसे दे देती है। एंड ये दोनों चले जाते हैं जी घर पर। तो वो घर के बाद जैसी जिया गाड़ी रुकती है तो वो दरी होती है, कहती यार एक काम करो ना तुम तुम्हारा बैग रखो और अपन दोनों चलते हैं कैमरा लेने के लिए, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। तो वो कहती है कि यार प्रॉब्लम तो नहीं है, चलो ठीक है मैं बैग रख के मम्मी को बोल के आती हूँ। तो जी मुंदा जाती है अपनी मम्मी को बोल करके बैग रख के जी आ जाती है और ये दोनों चल जाते हैं जी कैमरा लेने के लिए। तो वहाँ से कैमरा लेने के बाद जिया कहती है कि चलो कॉफ़ी अब चलते ना यार, कॉफ़ी पीने का मन हो रहा है। तो रोगी कहती है कि इस टाइम खाना नहीं खाना तुम्हें। तो जिया कहती है यार क्या खाना क्या पीना, वैसे भी आज तो शेफ ही बनाएंगे तुम दोनों ने जो खाने खाने का मन भी करे। तो रोगी असल में कहती है अच्छा जी इतना पसंद आया तो मेरे घर खा लेते हैं। तो जिया कहती है नहीं नहीं पागल। तो रोगी कहती है नहीं नहीं आज तो तुम नहीं खाना खाओगे ना। तो जिया कहती है नहीं पागल हो गया यार तुम नहीं नहीं। तो कहती है यार मतलब बात नहीं यार तुम मेरे घर खाना नहीं खा सकती यार,
मतलब वो तुम्हारा घर नहीं है क्या? तो ये कहते नहीं ऐसी बात नहीं है। तो मैं कहते बस तो ऐसी बात नहीं है ना, तो तुम मेरे साथ चल रहे हो और तुम मेरे साथ ही खाना खाओगे आज, है ना? तो ऐसे बोल कर के जब आ जाते हैं घर पर एंड जब तुम्हें कि मम्मी देखती है किसी आई, तो कहती है ओ जी बेटा, आओ जी बेटा, कैसे हो तुम, ठीक है ना? तो कहते हैं हाँ जी मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसे कह के वो बैठी होती हैं, तो जिया की जो मतलब जिया का ना फ़ोन बजता है कि उसके मम्मी पापा का फ़ोन आया होता है ना, तो वो फ़ोन नहीं उठा दिया, साइड में रख देती है। तो वो कहती है क्या फ़ोन था ना, तो कहती है कुछ भी नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो रूही की मम्मी जो होती है वो उनके लिए ले आती है जी मतलब कुछ नाश्ता वगैरह। तो रूही कहती है कि मम्मी नाश्ता नहीं आ रही है, खाना खाने के लिए आई है मेरे घर। तो उसकी मम्मी खुश हो जाती है, वाह सच में जिया तुम यहाँ खाना खाओगी? तो ये कहती है आंटी ये सही कह रही है ना, मेरा मतलब इसे क्या आपके खाना खाने का मन था तो इसीलिए। तो रूही कहती है मम्मी आप इसका ध्यान रखो, मैं खाना बना लेती हूँ। तो जिया कहती है कि मैं क्या ध्यान रखूँ, मैं भी चल रही हूँ ना तुम्हारे साथ, मेरा क्या ध्यान रखूँ, मैं बच्ची हूँ कोई, मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ। तो रूही कहती है कि वाह तुम्हें ना किचन में ये तो पता नहीं है तुम्हारे घर में कि पत्ती खा रखी है, चीनी खा रखी है, और तुम मेरी हेल्प कराओगे, वाह वाह वाह। तो जिया कहती है कि यार हेल्प भी कर सकती, देख तो सकती हूँ ना, बाई चांस मुझे कभी ज़रूरत पड़ जाए तो मुझे आना चाहिए ना। तो रूही हंसने लगती है कि आज तक तो तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ी, और जितना मैं तुम्हें जानती हूँ तुम रसोई में घुसने वाली भी नहीं हो, तो तुम बस मुझे ना तंग करने के लिए आ रही हो ना, मुझे मालूम है। तो मुझे हंसने लगती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो उन दोनों की जो बातें होती ना उसकी मम्मी सुन रही होती है, वाह दोस्ती हो तुम्हारी, क्या अच्छी मम्मी है यार। तो जिया होती है ना वो मन में सोच रही कि यार क्या आंटी माँ को कैसे बता सकती हूँ, मतलब कब बताऊँ कि ये हमारी दोस्ती नहीं ये तो प्यार है हमारे बीच का। तो वैसे हंस रही होती है ना, तो रूही भी देख लेती है कि हंस रही है। तो अपनी मम्मी से कहती मम्मी तो ना थोड़ा जोर से बोलते हैं, तो जिया देखने लग जाती है। तो उसकी मम्मी कहती है कि क्या हुआ इतनी ज़ोर से क्यों बोल रही, मतलब यही हो ना? तो कहती है मम्मी यार मैं ज़ोर से कहाँ बोला, वो तो मेरे मुँह से अचानक से निकल गया ना। आप एक काम करो ना मम्मी, आप सब्जी सब्जी ले आओ ना, आप इसको ना शिमला मिर्च की सब्जी बहुत पसंद है ना, तो मुझे वही बनाने का मन कर रहा है, तो आप ला दोगे क्या? तो उसकी मम्मी कहती है हाँ बेटा मैं अभी 2 मिनट में ला देती हूँ। तो जिया होती है वो कहती है कि तुमने मम्मी को बाहर भेजा? तो कहती है कि यार एक तो तुम यह ना खोना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हें कोई नोटिस करे, मतलब यहाँ वहाँ तुम्हारे घर तुम्हें कोई नोटिस करे ना करे, यहाँ कोई कर लेगा, तो तुम्हें खोना बंद कर दो। ये तुम मुस्कुराती हो, ये फिलहाल आज आज के लिए थोड़ा ब्रेक दे दो। तो जिया कहती है कि चलो ठीक है आज मैं ब्रेक दे देती हूँ। और जो जिया और रूही होते हैं जी वो चले जाते हैं अंदर और खाना बनाने लग जाते हैं। एंड खाना खाने के बाद जो जिया होती है वो अपने घर आ जाती है, तो उसकी मम्मी मतलब उसका वेट कर रही होती है ना। तो कहती है कि जिया खाना खा लो, कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं? तो जिया कहती है मुझे भूख नहीं है। तो उसकी मम्मी कहती है कि खाना खा लो। तो जिया कहती है कहा ना आपसे मुझे भूख नहीं है, तो नहीं है ना, क्यों क्यों तंग कर रही हो मुझे, मुझे सोना है, मैं जा रही हूँ। तो उसके पापा कहते हैं कि जिया ये किस तरीके का बिहेवियर है? तो कहती है पापा मैं खाना खा के आई हूँ, मुझे सोना है बस, है ना? तो जी उसके पापा कहते हैं कि ये बात तो तुम तुम्हारी मम्मी से भी कह सकती थी ना। तो जिया कहती है कि हाँ काश अगर मम्मी पूछती तो मैं ज़रूर कह देती। तो ऐसे सुन के उसके पापा को बहुत बुरा लगता है, उसकी मम्मी को भी बहुत बुरा लग रहा होता है ना कि ऐसे बोल रही है, बट वो कुछ नहीं कहते क्योंकि जिया ऐसे ही है। तो जी जिया चल जाती है अपने रूम में एंड वो बहुत मतलब खुश होती है ना कि यार तो उसने रूही को किस किया, मज़ा आ गया ना। तो जी ऐसे सोच रही होती है इतने में निधि का कॉल आ जाता है। तो निधि उसे कहती है कि यार कोई नई अपडेट? तो जिया कहती है कि यार नई अपडेट मेरे को लगता है वो वर्जन ही चेंज हो गया यार। तो कहती है क्या क्या हुआ? तो कहती है कि आ जाना मेरी और रूही की हुई है जी लिप किस। तो वो मतलब शौक के लिए है तुम्हारे बीच में सब कुछ हो गया, मतलब सब कुछ हो गया? तो जिया कहती है पागल है यार कुछ भी नहीं हुआ। तो निधि कहती है कि यार फिर ये अच्छा तुमने उसे बता दिया, उन्होंने खुशी से तुझे किस कर लिया? तो कहती है पागल है यार ऐसा भी नहीं हुआ। तो निधि कहती है तो फिर कैसे हुआ? तो जो जिया होती है वो सारी बातें बता देती है ना कि एक बार अनजाने में और एक बार जानबूझ के। और जिया को लगता है सेकंड वाला जो है ना वो रूही को लगता है कि जो सेकंड में हुआ ना वो तो उसका वैन था। निधि बहुत मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं कि अब क्या होता है, क्या जिया की पहल रूही को समझ में आती है या फिर रूही को खुद को इजहार मतलब खुद को ही रियलाइज हो जाता है यार ये तो
हमें सेंटेंसेस में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड में